बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट हमेशा से रहती है कि हमारे बच्चे दिन भर और खास करके रात भर मोबाइल ही हाथ में लेके बैठे रहते हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल हाथ में, वॉशरूम में जा रहे हैं मोबाइल है, तो मोबाइल हैज बिकम एन एडिक्शन। तो आपको पता ही है ना कि चॉकलेट सबको अच्छा लगता है, बिलीव सबको, अगर मैं चॉकलेट ऑफर करूँ एवरीबडी विल लव टू हैव अ चॉकलेट, लेकिन अगर मैं आपको जबरदस्ती करूँ कि नहीं एक एक किलो चॉकलेट रोज खानी पड़ेगी तो आपको कैसे लगता है? इमेजिन करके देखिए, खाली रोज खाना नहीं दूंगा, पूरा चॉकलेट ही दूंगा, लंच में भी चॉकलेट, डिनर में भी चॉकलेट, बिकॉज यू लव द चॉकलेट सो वी विल फीड यू चॉकलेट। तो शुगर दो इट इज स्वीट इन नेचर, द मोमेंट इट एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी, जहां पे उसकी कैपेसिटी के ज्यादा आप खाते हो तो इट बिकम द पॉइजन। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मोबाइल, एनीथिंग दैट यू डू कंपल्सिवली, एनीथिंग दैट यू डू आउट ऑफ यू नो एडिक्शन, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, एनीथिंग, इट कैन बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, आपको जो भी आप एक्सेस करते हो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा करते हो, इट टर्न्स इन अ पॉइजन। एंड दैट्स अ रीजन आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप मोबाइल एडिक्शन से बाहर आ जाइए। Now, how are you going to do that? तो simply जो आपके top use app होते हैं ना, आप उनको delete कीजिए for few days, जब तक आपका आपके mobile में interesting कुछ रहना ही नहीं चाहिए। Whatever is catching your attention, Instagram, Facebook, ये सारे जो social media app है, YouTube, उन सबका एक basic business model है, maximum active user उनको रखने होते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में इंस्टा का ऐप है और आपने चार दिन अगर वहां पे अगर उसको टिक नहीं किया या ओपन नहीं किया तो इंस्टाग्राम का यू नो रिव्यू गिर सकता है। एंड दैट्स द रीजन दे विल दे मेक श्योर दैट एवरी टाइम देयर दे विल बी सेंडिंग यू नोटिफिकेशंस, कुछ ना कुछ आपको भेजते रहेंगे, और द मोमेंट यू ओपन दे विल कीप योर अटेंशन कैप्चर्ड। और जब आपको पता ही आप रील देखते रहते हो तो आप दुनिया का और कुछ नहीं सोच रहे, आप सोच नहीं रहे हो कि मैं बिजनेस कैसे बनाऊं, मैं करियर कैसे बनाऊं, मैं अपने फैमिली के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं, मैं अपने करियर के ऊपर कैसे काम करूं। तो आप ये सोच ही नहीं पाते बिकॉज यू आर ऑलरेडी एंगेज, आपका ब्रेन एंड बॉडी एंगेज है। एंड देन आफ्टर वॉचिंग रील्स फॉर टू आवर्स यू आर ऑलरेडी टायर्ड, और टायर्ड इंसान तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता ना। तो इसलिए आप ये जो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये आप हम दोनों का कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता, बट एनीथिंग इज इन एक्सेस इज अ प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम वहां पे देना चाहिए और दिन का कौन सा टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करूं, या जब मुझे टायर्डनेस आती है, जब मुझे रिलैक्स करने का मन करता है, तब के 15-20 मिनट में इन्वेस्ट करूं। तो दैट कॉल इज योर्स। तो प्लीज डू नॉट यूज मोबाइल फोन जस्ट बिकॉज इट इज देयर विथ यू, यूज ओनली वेन इट इज नीडेड। टेक्नोलॉजी इज बेस्ट बट इट शुड नॉट बिकम एन एनिमी टू यू। तो प्लीज डोंट टेक इट एज एन एडिक्शन, और अगर हो गया है तो सिंपली सादा फोन यूज करना चालू कीजिए 15-20 डेज के लिए, एक महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए, एंड कम आउट ऑफ इट। नमस्कार।